सरकार दे 4 साल पूरे होए ने और सरकार दा दावा है कि 86% काम जड़े ने वो जड़े वादे किए गए सी उन्होंने पूरे कर लेता वा और विरोधी जड़े ने वो सरकार नू सवाल कर रहे ने और आज साढ़े खास मेहमान ने तृप्त रजिंदर बाजवा मंत्री साहब तो पुछांगे कि किन्ने वादे पूरे होए ने और चुनावी साल दे विच किहड़े काम जड़े ने वो पहल दे आधार ते पूरे करवाए जाणगे। बाजवा जी बहुत बहुत स्वागत। बाजवा जी 86% का दावा किया जा रहा सरकार वालों कि काम जड़े ने वो 4 साल पूरे हो गए हैं। अगर मैं 4 कामों की गल करा जो पहल के आधार से 2017 तो सरकार बनने तो तुसी किते सीगे किहड़े काम ने? देखो मेरे को तो डेवलपमेंट का महकमा मैं हर पिंड डेवलपमेंट की कोशिश की है। कैप्टन साहब ने पूरी मदद की है भी पिंडा च सर्वपक्षी विकास हुए ते लोकां दा जिहड़ा ट्रेंड है पिंडां नूं छड्ड के शहरां नूं जाण दा माइग्रेट करन दा उहनूं बंद कीता जावे ते डिवेलपमेंट हर पिंड च आलमोस्ट चल रही है। अकाली दल तो कह रहे हैं कि सड़कां जिहड़ियां बणियां सी उहनां दे राज च 10 साल च बणियां सी हुण तां पै चलाण दा काम हुंदा। देखो उह जो मर्जी आखी जाण उहनां दा काम है, अपोजिशन वाले दा काम है आखणा, पर सर्वपक्षी विकास होया पिंडां च कोई 43,000-4,300 करोड़ रुपया जिहड़ा जा चुका वा होर भी जाएगा। असी पौंड्स नूं सीचल मॉडल ते थापर मॉडल ते ठीक कर रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, जिम बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं, ब्रिक पेविंग कर रहे हैं, टाइल्स लग रही ने, नवीं सड़कां बन रही ने, सो ये काम चलता पाया जी। अकाली दल कह रहे हैं कि पंजाब के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कैप्टन ने काम की किते? चलो जी सवाल लोगों का हक है सवाल पूछने का, जब अस 22 इलेक्शन जावे जो सवाल पूछे उन्होंने जवाब देंगे। तैयार हो 22 के पूरी तुम लगता है कि 2017 कैप्टन अमरिंदर का सी? पूरी तरह तैयार हाँ जी, परमात्मा मेहर करे अकाल पुरख की कृपा नाल फिर जित के आवांगे। लेकिन अकाली दल ने टिकटां लाणनियां शुरू कर दित्तियां, वो तां नाल नाल अपने मैनीफेस्टो भी गिनाने शुरू कर दिते। उन्होंने तां जिक्र करता बिजली सस्ती कर दांगे, असी नौकरियां जिहड़ियां ने वो देनियां शुरू कर दांगे। कह रहे कि अकाली दल वादे जिहड़े कर रही है उन्हां नूं पूरे मुकम्मल करेगी 2022 च। बिल्कुल ठीक है जी, उन्होंने पिछले 10 साल लोगों नूं भुलाउणे नहीं चाहिए, उस भी उन्होंने नौकरियां दित्तियां ते वादे पूरे कीते होणगे, वो भी 10 साल लोगों नूं माइंड च रख के फिर लोग फैसला करेंगे भी उन्होंने 10 साल की कुछ होया। डर है भी परमात्मा मेहर करे उन्होंने समत बख्शे वह कुछ मुड़ के ना हो। मुकाबला किस न लग रहा भाई बीजेपी अकाली दल आम आदमी पार्टी? किसी नाल ही नहीं लगता, असी अपने प्रोग्राम से इलेक्शन लड़नी है, जिहड़ा मर्जी आ सामने खलो जाए। किसानी किन्ना क वड्डा एक फैक्टर रहने वाला वा, क्योंकि पिछले लगभग 3 महीने तो वध हो गया है कि किसान किसानी दे विच असी कैप्टन साहब पहले दिन तो किसानां नाल खलोते ने, जिहड़े कानून बने ने उन्हां नूं साडी असैंबली ने कैप्टन साहब ने पहले दिन तो उन्हां दे खिलाफ आवाज उठाई है। अकाली दल तां कह रहे हैं कि असी रिजैक्ट करांगे। देखो रिजैक्ट असी करते इहो जे बद किस्म दी अकाली दल दी डबल पॉलिसी ना हुंदी अज पंजाब दा किसान उत्थे लखां दी गिनती दिल्ली बॉर्डर ते ना बैठा हुंदा। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਖੋਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰ ਉੱਠ ਖੋਤਾ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਕਾਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦੀਪ ਜੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ? ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਤਰਾਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਵਾਰੀ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦੇਣ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਨੂੰ CM ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ
पैसा ना होने वजह करके कोविड होने वजह करके रह गए उन्हें कामों जो पूरा किया जाएगा। नहीं कोविड ने देखो नुकसान तो पहुंचाया ओवरऑल सारी डिवेलपमेंट को डकिया वा, नहीं तो डिवेलपमेंट होर बड़ी अगे चले जाती, छे सत महीने तो मुल्क खलो ही गया, साड़ी आमदन घट गई।